पूर्व में हुए निगम घेराव के बाद भाजपा पार्षद दल ने शहर की दुर्दशा को सुधारने, आम जनता को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने, पानी साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कर विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में नगर निगम की लचर व्यवस्था व शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त बुनियादी समस्याएं सुधारने को लेकर पिछले दिनों दुर्ग निगम का घेराव कर आक्रोश जताया गया था। इसी कड़ी में भाजपा पार्षद दलों ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी से मिलकर अपनी बातें रखी और कहा कि जल्द किए गए मांगों पर कार्य शुरू कराया जाए और तलब है कि साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी व बार बार गरीबों की बस्तियां हटाने नोटिस देने तथा पट्टा वितरण में लापरवाही जैसे विभिन्न मुद्दों सहित अपने 14 सूत्री मांग को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने न्यूज टीम के समक्ष कुछ इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग शहर के 5000 से अधिक पीड़ित लोगों ने नगर निगम दुर्ग का घेराव किया था। उन्होंने मांग किया था कि हमारे पट्टा का नवीनीकरण कब करोगे, हमारे घरों में पानी कब पहुंचाओगे, प्रधानमंत्री घर का आवंटन कब करोगे और बड़े नाले नालियों पे सफाई कब करोगे, जो मई में हो जाता है वो आज जून तक नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज पानी गिर जाए तो ये शहर में आधे से ज़्यादा बहुत सारे घरों में पानी भर जाएगा। ये जो घेराव हुआ था उस विषय में हम आयुक्त को जवाब मांगने आए थे कि आपने हमारे ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की घेराव पे। उन्होंने 3 समितियां गठित की है और 15 जून तक पेयजल हालत को बहाल करने की बात कही है, 20 जून तक नालियों की सफाई की बात कही है। अगर इतने दिनों में इन कामों को नहीं करते, हमने पूछा है ये हालात क्यों उत्पन्न हुए। ये हालात सिर्फ और सिर्फ इसलिए उत्पन्न हुए कि माननीय विधायक जी महापौर को अपने पीछे पीछे घुमाते रहते हैं, महापौर को निगम के काम में रुचि नहीं है, महापौर जी आम जनता से मिलते जुलते नहीं है, इसलिए इस हालात ये शहर के ये हालात हुए हैं। और 20 जून तक अगर नहीं होता है तो हम आयुक्त का इससे तगड़ा घेराव करेंगे और लोगों के इसके लिए हमें विपक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने दी है, हम उस भूमिका को निभाते रहेंगे, उनके हकों के लिए लड़ते रहेंगे। वाटर बॉडीज की हालात खराब है, इन सब विषयों पे आज भाजपा पार्षद दल ने आयुक्त को जवाब मांगा है। उन्होंने 3-4 समितियां गठित की हैं और कुछ मामले में तत्काल निराकरण भी किया है। भाजपा सम्मानित पार्षद जो अभी मेरे पास आए हुए थे और जो उस समय जो लास्ट वीक इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था 14 मांग के संबंध में, उस संबंध में डिस्कशन करने के लिए आए थे। मैंने सभी मांगों पर स्पेसिफिक सभी मांगों पर मैंने एक एक करके सभी बता दिया कि सभी में कार्रवाई जारी है। मोस्टली जो है काम जो है वो हमारे रूटीन के ही काम है और कुछ जो काम हम लोग अभी नए सिरे से कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ ऐसे भी काम हैं कि जो लॉन्ग टर्म पे हैं, तो कुछ में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ में बहुत जल्दी काम हो सकता है, कुछ में सुधार की आवश्यकता है। सभी कामों पर हम विशेष ध्यान रखे हुए हैं और फिर सभी में हम काम भी कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों में जरूर दिखेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।